हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड से अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने की कोशिश करते हैं तो वहां भी आपको आधार कार्ड से अपडेट करने के लिए बोलता है, या तो फिर अगर आप पीएफ क्लेम वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो वहां भी क्लेम नहीं हो पाता है, या तो फिर केवाईसी वगैरह अपडेट करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आधार केवाईसी ना होने के कारण आप कोई भी ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं। फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में भी लॉगिन नहीं हो सकते हैं। और आप अपने पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो में आपको सही जानकारी के साथ बताने वाला हूं कि फिलहाल अभी दैट टाइम पे कौन सा प्रोसेस है अपने पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले सो यहाँ पे प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, क्या फिलहाल अभी ऑनलाइन प्रोसेस है या तो फिर ऑनलाइन प्रोसेस है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से अभी कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस प्रोवाइड नहीं किया गया जहां पे आप खुद से ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से कुछ समय पहले काफी ज्यादा वेबसाइट यहाँ पे जारी किया गया था, जैसे कि ईपीएफओ का खुद सा वेबसाइट था, वहां पर जाकर के अपना कुछ डिटेल फिलअप करके ओटीपी से वेरीफाई करके फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट कर सकते थे, या तो फिर उमंग का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां से भी कर सकते थे, या तो फिर उमंग का जो ऑफिशियल ऐप होता है उससे भी कर सकते थे। लेकिन फिलहाल तो सभी जगह बंद है। एक और तरीका था, अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होकर के केवाईसी वाला सेक्शन में जाकर के वहां पर आपके पास आधार केवाईसी अपडेट करने का सेक्शन मिल जाता था, लेकिन उसको वहां से भी हटा दिया गया। सिंपल से क्लियर करना चाहता हूं, अभी फिलहाल दोस्तों ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है जहां से आप ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट कर सकें। फिलहाल दोस्तों एक ही प्रोसेस है ऑफलाइन, आपको अपने कंपनी अपने एम्प्लॉयर की सहायता से ही आपको अपने पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट करना होगा। चाहे आप कंपनी में अभी काम कर रहे हो या तो फिर कंपनी छोड़ दिए, दोनों भी स्थिति में दोस्तों आपको अपने कंपनी के हेल्प ही लेना होगा, अपने कंपनी के मदद से ही आपको अपने पीएफ अकाउंट में आधार केवाईसी अपडेट करवाना होगा। ठीक है, प्रोसेस आपने समझ लिया, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, केवल अभी आपका एम्प्लॉयर ही आपके पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट कर सकता है। जब आपके पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट हो जाएगा उसके बाद फाइनली आप अपना यूएन नंबर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, पीएफ अकाउंट में भी लॉगिन हो सकते हैं, उसके बाद जो भी क्लेम वगैरह या तो पासवर्ड वगैरह चेंज आउट करना कोशिश करेंगे सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मैं लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट करने वाला सेक्शन पर आ चुका, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आपके पीएफ अकाउंट के साथ आधार केवाईसी अपडेट नहीं होता है, पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे तो फाइनली आपका पासवर्ड भी फॉरगेट नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर नीचे एक एरर हो जाता है, एरर में बता दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको बारीकी समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ नजर आता होगा, योर यूएन इज नॉट लिंक विद आधार। फाइनली जो आपका यूएन नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, फर्स्ट मेंबर हैज टू लिंक हिज आधार। ठीक है, सबसे पहले आप अपना यूएन नंबर के साथ अपने पीएफ अकाउंट के साथ आधार कार्ड आधार नंबर को लिंक करें। ठीक है, उसके बाद वो कहां से लिंक होगा वो भी यहां पे बता दिया जा रहा है, वो देख सकते हैं यहां पर नजर आता है विथ यूएन थ्रू, थ्रू मतलब किसके द्वारा होगा, कहां से होगा वो देख लीजिए, हिज हर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कहने का मतलब होता है जो आपका कंपनी जो आपका नियुक्ता होता है उसके द्वारा ही दोस्तों आपको अपने पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट करवाना है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्रूफ के साथ भी आपको बता दिया, अगर आपके भी पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप अपने कंपनी के पास जाइए, चाहे आप कंपनी काम कर रहे हैं या तो फिर कंपनी छोड़ दिए, दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी कंपनी को ही पकड़ना है, वहीं से दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट आधार केवाईसी अपडेट हो सकता है। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको स्टूडियो में समझाया, जो भी आपको जानकारी दी हो, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, बेल घंटी में दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।